नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, अर्धवार्षिक परीक्षाएं आपकी चल रही हैं और अर्धवार्षिक परीक्षाओं में जो पेपर्स हो रहे हैं, लगभग स्कूलों में उनसे मिलते जुलते ही प्रश्न आ रहे हैं। चूंकि मैंने तमाम पेपर्स देखे हैं, तो आप इस पेपर को कायदे से देख लीजिए, मैं पूरा का पूरा सॉल्व करवा दूंगा। और हो सकता है कि अगले दिन जब आपका पेपर हो इस अक्टूबर अर्धवार्षिक परीक्षा 2022-23 का, तो हो सकता है कि ये पेपर आपकी परीक्षा में सेम टू सेम आ जाए या फिर यहाँ से 50% क्वेश्चंस आ जाए। मुझे बच्चे भेजते हैं सभी पेपर, ये पेपर जिस बच्चे ने भेजा है मैं उसको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। तो आइए मैं इसको हल करा देता हूँ। तो आप पूर्णांक तो जानते हैं, 100 का होता है, 3 घंटे 15 मिनट का समय है आपका और सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न के लिए निर्धारित अंक उसके सामने हैं, बाकी कुछ खास नियम नहीं है। पहले 5 प्रश्न हिंदी गद्य साहित्य के विकास से हैं और बाद के 5 प्रश्न आपके हिंदी काव्य साहित्य के विकास के हैं। मैं आपको बता दूं कि मैं जो भी पेपर करा रहा हूं, अगर अर्धवार्षिक परीक्षा अभी आपकी शुरू नहीं हुई है, तो जितने पेपर हमारे मॉडल पेपर वाली प्लेलिस्ट में पड़े हुए हैं अर्धवार्षिक के, आप उन्हें देख लें। मैं गारंटी के साथ कह दूंगा कि आपके पेपर लगभग यहीं से मिल जाएंगे। इसलिए ये एक सीक्रेट की बात समझ लो कि यहाँ से अगर आप देखते हैं, क्योंकि मैं हर एक सेट को हल करा रहा हूँ जो पेपर हो रहे हैं, तो कोई ना कोई सेट अगर आपका सेम आ गया तो आपका पढ़ना सफल और हमारा पढ़ाना सफल हो जाएगा। क्या भूलूँ क्या याद करूँ, आत्मकथा किसकी है, तो यहाँ पर हरिवंश राय बच्चन जी का आप टिक कर दीजिए। हरिवंश राय बच्चन यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। 100 अजान 1 सुजान के लेखक कौन हैं? बाल कृष्ण भट्ट हैं। अरे यायावर रहेगा या के लेखक अज्ञे जी हैं। अज्ञे बोले तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। आचार्य हजारी प्रसाद की रचना इनमें कौन सी है? अनाम दास का पोथा आचार्य हजारी प्रसाद की रचना है, चिंतामणि रामचंद्र शुक्ल की है। और एपीजे अब्दुल कलाम की रचना कौन सी है? एपीजे अब्दुल कलाम की अग्नि की उड़ान है, विंग्स ऑफ फायर है ना, स्वामी जी के साथ मेरा आध्यात्मिक सफर है। ठीक है, त्यागपत्र जैनेन्द्र की है, भाषा और आधुनिकता प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी की, पृथ्वी पुत्र वासुदेव शरण अग्रवाल की है। हिंदी काव्य साहित्य के विकास पर आधारित 5 प्रश्न है। द्वापर किसकी रचना है? द्वापर मैथिली शरण गुप्त की है। कामायनी महाकाव्यों में सर्गों से की संख्या 15 है और प्रथम सर्ग चिंतामणि चिंता है, चिंता आशा श्रद्धा काम वासना लज्जा। ठीक है, और रेणुका किसकी कृति है? तो रेणुका रामधारी सिंह दिनकर की कृति है। देखिए, अगर आपको ये पेपर चाहिए, मॉडल पेपर डॉट इन्फो पे जाएंगे, मॉडल पेपर डॉट इन्फो नाम की वेबसाइट है। इस वेबसाइट पे ओनली ओनली यूपी बोर्ड के पेपर मिलते हैं और यूपी बोर्ड के ये पेपर जो मिलते हैं, अगर आप यहाँ से डाउनलोड कर लेते हैं तो पीडीएफ भी मिल जाएगी और पोस्ट भी मिल जाएगी। तो यहाँ पे जाएंगे तो आपको प्री बोर्ड और अर्धवार्षिक और वार्षिक सारे पेपर आपको मिल जाएंगे, जो यूपीएमएसपी ने प्रोवाइड किया है वो भी आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो दिनकर ने रेणुका लिखी है। पंत को चिदंबरा पर कौन सा पुरस्कार मिला था? तो चिदंबरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। कितनी नाव में कितनी बार अज्ञेय की रचना है? किसकी है? अज्ञेय की है। कहते हैं दुनिया बड़ी भुलक्कड़ है, केवल उतना ही याद रखती है जितने से उसका स्वार्थ सधता है, बाकी सब फेंक कर आगे बढ़ जाती है। शायद अशोक से उसका स्वार्थ नहीं सध सका, क्यों उसे वह याद रखती? सारा संसार स्वार्थ का अखाड़ा ही तो है। प्रस्तुत गद्यांश में किस प्रसंग की चर्चा की गई है? प्रस्तुत गद्यांश में अशोक को भुलाने की चर्चा की गई है, साथ में मनुष्य का वह स्वार्थी होना और इस संसार का स्वार्थी होना, इस प्रसंग की चर्चा की गई है। लेखक ने गद्यांश में किस तरह के लोगों को स्वार्थी कहा है? किस तरह के लोगों को स्वार्थी कहा है? जो लोग भुलक्कड़ हैं, यानी किस तरह के लोगों को स्वार्थी कहा है? अब उस तरह देखो, इसमें इसका तो उत्तर है नहीं। जो लोग उतना याद रखते हैं जितने से उनका स्वार्थ सधता है, बाकी फेंक कर आगे बढ़ जाते हैं, उन्हीं को यहां पर
लोगों को, उन्हीं लोगों को स्वार्थी कहा है। सारा संसार स्वार्थ का अखाड़ा है, इससे लेखक क्या क्या तात्पर्य है? तो आप सभी जानते हैं कि सारा संसार स्वार्थी है, यानी सुर नर मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ लाए कर ही सब प्रीति, गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी लिखा। यानी संपूर्ण संसार में प्रत्येक व्यक्ति स्वार्थ के लिए ही सब कुछ करता है। याज्ञवल्क ने मैत्रेयी से पूछा था कि जो है आप का बंटवारा करा दूं, तो मैत्रेयी ने क्या कहा था, क्या सारा धन मिल जाएगा मुझे तो क्या मैं अमर हो जाऊंगी? तो याज्ञवल्क ने कहा था नहीं, यहां पर कोई किसी का प्रिय नहीं होता है, और ऐसा नहीं है कि पैसा आने से आप अमर हो जाएंगी। पत्नी पत्नी की इच्छा के लिए पत्नी प्रिय नहीं होती है, बल्कि अपनी इच्छा के लिए पत्नी प्रिय होती है। इसी प्रकार पुत्र की इच्छा के लिए पुत्र प्रिय नहीं होता है, बल्कि अपनी ही इच्छा के लिए पुत्र प्रिय होते हैं। इसलिए सब संपूर्ण संसार स्वार्थ का अखाड़ा है। और फूल शब्द का पर्यायवाची लिखिए, फूल शब्द का पर्यायवाची लिखिए, तो इसके आप लिख सकते हैं पुष्प लिख सकते हैं, सुमन लिख सकते हैं, है ना, और कुसुम लिख सकते हैं, प्रसून लिख सकते हैं, कुसुम और प्रसून लिख सकते हैं। फिर कहा गया है कि स्वार्थ शब्द का विलोम लिखिए, स्वार्थ का निस्वार्थ हो जाएगा, ठीक है, निस्वार्थ हो जाएगा। और कहते आते थे यही सभी नरदेही, माता न कुमाता पुत्र कुपुत्र भले ही, अब कहें सभी यह हाय विरुद्ध विधाता है, पुत्र पुत्र ही रहे कुमाता माता। तो प्रस्तुत पद खंड का संदर्भ लिखिए, तो आप जानते हैं ये कैकेयी के अनुताप से लिया गया है और मैथिली शरण गुप्त इसके लेखक हैं। कैकेयी को कौन सी चिंता सता रही है? कैकेयी को यह चिंता सता रही है कि अब सभी लोग यही कहेंगे। कैकेयी को तो यह देखिए ये चिंता सता रही है कि मैंने अपने पुत्र का केवल बाह्य मात्र देखा था, इसके कोमल हृदय को नहीं देखा था, इसके दृढ़ हृदय को नहीं देखा था, इसके केवल कोमल शरीर को देखा था, इसीलिए आज यह बाधा बना हुआ है। कैकेयी ने इसका भरत का क्या देखा? कैकेयी ने भरत का केवल बाह्य मात्र और कोमल शरीर ही देखा था। है पुत्र पुत्र ही रहे कुमाता माता का भाव स्पष्ट कीजिए। कैकेयी कहती है कि हमारा विधाता विरुद्ध हो गया, अर्थात भाग्य विरुद्ध है, तो अब दुनिया यही कहेगी कि भी माता कुमाता नहीं हुआ करती थी, पुत्र ही कुपुत्र हो जाया करते थे, लेकिन अब ये कहेंगे कि पुत्र तो पुत्र ही रहा और माता कुमाता निकल गई। और गात्र शब्द का अर्थ है शरीर, ठीक है, गात्र शब्द का अर्थ है शरीर। देखिए मैनुअली क्वेश्चंस बनाए गए हैं, तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन अटपटे हैं, जिनका अर्थ भी जिनके उत्तर भी आपको अटपटे ही मिलेंगे। वासुदेव शरण अग्रवाल और हजारी प्रसाद द्विवेदी और जी सुंदर रेड्डी, इनके जी साहित्यिक परिचय लिखने हैं, मैत्रेयी शरण गुप्त दिनकर और रामधारी सिंह दिनकर का, और पंचलाइट बहादुर कहानी का सारांश जो कि मैं सब कुछ करा चुका हूँ, गोधन अथवा राजा रिपुदमन का चरित्रण, आलोक व्रत खंड काव्य, यानी कि ये जहाँ पर चलता है आलोक व्रत कहाँ पर चलता है, जिन जिन जिलों में चलता है उन उन जिलों के बच्चे देखेंगे, बाकी अपने अपने जिलों के खंड काव्यों के मैं रेकमेंड करूँगा कि आप चरित्रण जरूर याद कर लें। फिर आपका खंडखा आता है दिए गए गद्यांश में से, गद्य खंड का आपको हिंदी अनुवाद देना है, संस्कृत साहित्यम सरसम, तो संस्कृत भाषा या महत्वम से लिया गया। यहाँ कहा गया कि संस्कृत का साहित्य सरस, व्याकरण और व्याकरण सुनिश्चित है, उसके गद्य पद्य में लालित्य और भाव बोध की क्षमता है, अद्वितीय श्रुति माधुर्य भी है, बहुत क्या कहें, चरित्र निर्माण में जैसी सत्प्रेरणा संस्कृत वाङ्मय देती है देता है वैसी कोई अन्य नहीं देता, मूलभूत मानवीय गुणों में या गुणों की जैसी विवेचना संस्कृत साहित्य में है वैसी अन्यत्र नहीं है। तो दिए गए श्लोक का संदर्भ नमे रोज संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद, तो ये कहाँ से लिया गया, जातक कथा से लिया गया, संस्कृत दिग्दर्शिका से, ठीक है। नमे रोचते भद्रम वह उलोकस्य विषेचनम, अभिषेचनम है यहाँ पे, अक्रुद्धस्य मुखम पश्य कथम क्रुद्धो भविष्यति, तो यहाँ पर कौवा बोलता है, कौवा कहता है कि मुझे इस उल्लू का राज्याभिषेक अच्छा नहीं लगता है, क्रोधित ना होने पर इसका मुख तो देखो, यदि क्रोधित होगा तो इसका मुख कैसा होगा, ये बता रहा है, ठीक है। दाल में काला होना, शंकाग्रस्त होना, संदेहास्पद होना, नमक मिर्च लगाना,
पानी पानी होना, गूलर का फूल होना। तो गूलर का फूल होना, बहुत दिनों बाद दिखना, दाल में काला होना, सशंकित होना, और पानी पानी होना, लजा जाना, नमक मिर्च लगाना, लगना होता है वैसे। हाँ अच्छा, इसका ये होगा कि नमक मिर्च लगाना किसी बात को बढ़ा चढ़ा करके वर्णन करना ही नमक मिर्च लगाना होता है। ठीक है, किसी बात को बढ़ा चढ़ा कर वर्णन करना नमक मिर्च लगाना। निम्नलिखित शब्दों के संधि विच्छेद आपको करने हैं। हिमालय का हिमधन आलय पहला ही सही हो जाएगा। कविंद्रा का कविधन इंद्रा पहला ही सही हो जाएगा। नयनम का नेधन अनम बा वाला सही होगा। आत्मनि शब्द में विभक्ति और वचन सप्तमी का एक वचन आत्मनि होता है। और राजभी शब्द में विभक्ति और वचन तृतीया का बहुवचन राजभी होता है। और अभय तथा उभय दोनों के अर्थ लिखना शब्द युग्मों में, तो अभय का मतलब होता है निडर, उभय का मतलब होता है दोनों, तो भयहीन और दोनों बा सही हो जाएगा। अंबुज का अर्थ होता है कमल और अंबुद का अर्थ होता है बादल। जा माने उत्पन्न होने वाला, दा माने देने वाला, और अंब माने जल। जल में पैदा हुआ वो है कमल, जल में जल को देने वाला वो है बादल। तो कमल और बादल पर आप टिक कर देंगे। फिर है आपको एक शब्द के दो अर्थ लिखने हैं। अर्क के दो अर्थ क्या होते हैं? एक तो अर्क का अर्थ होता है सूर्य, और दूसरा अर्क का मतलब होता है किसी वस्तु का रस। द्विज का दो अर्थ होता है। द्विज का मतलब होता है दो बार जन्म लेने वाला। द्विज का अर्थ होता है पक्षी, और द्विज का अर्थ होता है ब्राह्मण। ठीक है, फिर पतंग के दो अर्थ लिखने हैं। पतंग का एक अर्थ तो गुडी है, यानी बाल गुडी, जिसको आप बच्चे जो खेलते हैं वो पतंग, ठीक है, आकाश में उड़ने वाली पतंग। दूसरा अर्थ आपका हो जाएगा सूर्य, सूर्य को भी पतंग कहते हैं। ठीक है, और पतंग एक प्रकार के कीड़े को भी कहते हैं। जो पहले कभी न हुआ हो वो अभूतपूर्व होता है। जो सब कुछ जानता है उसे सर्वज्ञ कहते हैं। जो बहुत कुछ जानता है उसे बहुज्ञ कहते हैं। जो थोड़ा जानता है उसे अल्पज्ञ कहते हैं। और जो जानता है, जो ज्ञानी है, उसे विज्ञ कहते हैं। और जो मूर्ख है उसे अज्ञ कहते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से किन्हीं दो वाक्यों को शुद्ध करना है। एक फूल की माला लाओ, नहीं, फूलों की एक माला लाओ, इसको बनाना है। गौतम ऋषि की पत्नी का नाम अहिल्या नहीं अहल्या, ये सही वर्तनी है। विष्णु के अनेकों नहीं अनेकों नहीं, हमने कहा अनेक नाम होते हैं। उसका प्राण नहीं उसके प्राण निकल गए, ऐसे लिखेंगे इस वाक्य को। ठीक है, तो इस प्रकार सही कर लेंगे। करुण रस, इस करुणा कलित हृदय में अब भी कल रागिनी बजती, क्यों हाहाकार स्वरों में वेदनाय सीम गरजती। आती है शून्य क्षितिज से, क्यों लौट प्रतिध्वनि मेरी, टकराती बिल खाती सी, पगली सी देती फेरी। ये करुण रस में आप लिख देंगे, जब शोक नामक इष्ट विनाश बंधु वियोग के कारण जब शोक नामक स्थायी भाव विभाव अनुभाव और व्यभिचारी भाव आदि के द्वारा पुष्ट होता है, तो करुण रस की निष्पत्ति होती है। और वीर रस जब युद्धादि का वर्णन सुन के, देख के और करके, ठीक है, युद्धादि का वर्णन सुन के देख के पाठक के हृदय में जब उत्साह नामक स्थायी भाव जागृत होता है, यानी उत्साह नामक स्थायी भाव विभाव अनुभाव और व्यभिचारी भाव आदि के द्वारा पुष्ट होता है, तो वीर रस की निष्पत्ति होती है। और इसमें आप लिख देंगे, चढ़ चेतक पर तलवार उठा, करता था भूतल पानी को, राणा प्रताप सिर काट काट, करता था सफल जवानी को, करता था सफल जवानी को। श्लेष अलंकार में आप लिखेंगे, को घटिए भ्रक भानुजा वे हलधर वे वीर, या फिर रहिमन पानी राखिए, वो भी लिख सकते हैं। और उधव जोग, जोग हम नाही, वो यमक अलंकार होता है। ठीक है, और उत्प्रेक्षा जो है इसमें मन मानो जन जानो वाला जब उदाहरण आपको याद होगा, जब इसमें लिखेंगे इसकी परिभाषा क्या होती है उत्प्रेक्षा की, कि उपमान में उपमेय में उपमान की संभावना हो जाए, वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ठीक है, श्लेष का अर्थ होता है एक ही शब्द के अनेक अर्थ हों, एक ही शब्द में कई अर्थ निकलें, या फिर एक ही शब्द में कई अर्थों का श्लेषण हो, यानी कई अर्थ श्लिष्ट हों, वहाँ श्लेष अलंकार होता है। दोहा छंद
सुबरन को खोजत पिरत कब व्यवचारी चोर भी लिख सकते हैं। दोहा छंद और कुंडलिया छंद सिंपल से छंद हैं, तो दोहा सुना देते हैं हम आपको। दोहा तो बहुत याद होंगे आपके कबीर के भी। और दोहा में क्या होता है, प्रथम और तृतीय चरण में 13-13 मात्राएं, द्वितीय और चतुर्थ चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। कुंडलिया में क्या होता है, कुंडलिया में प्रथम दो चरण दोहे के होते हैं और बाद के चार चरण रोला के होते हैं। दोहे का अंतिम चरण कुंडलिया का रोले का प्रथम चरण बनकर के जिस शब्द से प्रारंभ होता है उस शब्द पे समाप्त होता है। 24-24 मात्राएँ होती हैं कुंडलिया छंद में और 6 चरण होते हैं। याद रखिएगा कि समझिएगा, कुंडलिया में साईं बैर न कीजिए गुरु पंडित कबियार, बेटा बनिता पौरिया यज्ञ करावन हार, यज्ञ करावन हार राज मंत्री जो होई, विप्र पड़ोसी वैद्य आपको तपे रसोई, कह गिरधर कबिराए जुगन सो यह चली आई, और इन 13 को तरह दिए बनिया वे साई। या तो आप एक और कुंडलिया में सुनाया करता हूं कि पॉकेट में पीणा भरी कौन सुने फरियाद, ये महंगाई देख कर आते वे दिन याद, वे दिन आते याद हाथ में झोला रख कर, वे दिन आते याद जेब में पैसा रख कर, सौदा लाते थे बाजार से थैला भर कर, धक्का मारा युग ने मुद्रा की क्रेडिट में, रुपए हैं थैले में सौदा है पॉकेट में। ये कुंडलिया है और गिरधर की कुंडलियां बहुत मशहूर हैं, आप पढ़िए। और मोहल्ले में प्रदूषण से उत्पन्न स्थिति का वर्णन करते हुए अधिकारी को, नगर अधिकारी को पत्र लिखना है। किसी विद्यालय के प्रबंधक को प्रवक्ता पद पर नियुक्ति हेतु एक आवेदन पत्र लिखना है। वर्तमान समय में कृषकों की समस्याएं या भारतीय किसान, वनों का महत्व, स्वच्छता अभियान और बढ़ती जनसंख्या, योग, हमने कहा था जनसंख्या, पर्यावरण और वनों का महत्व और कृषक की समस्याएं, अभी अनुशासन इत्यादि तमाम महत्वपूर्ण निबंध हैं जिन्हें आप तैयार कर लीजिएगा। तो ये आपका पेपर था, तो डिस्क्रिप्शन में भी मैंने लिंक दे दी है modelpaper.info की, आप वहीं जाइएगा, आपको वहां पर मिल जाएंगे ढेर सारे पेपर्स और अदर अदर विषय के सभी पेपर्स वहां पर मिल जाएंगे, तो आप उनको भी डाउनलोड कर लीजिएगा अपनी इच्छानुसार। अर्धवार्षिक का यानी हाफ अर्ली का बना हुआ है। चलिए मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ इंटरफेस कैसा दिखाई देता है। चलिए मैं ले चलता हूं आपको अपनी वेबसाइट पर। तो जैसे ही आप modelpaper.info ये वेबसाइट डालेंगे और फिर आप तुरंत क्या करेंगे, सर्च बार पे क्लिक करेंगे। अगर मोबाइल आपका मोबाइल से आप देख रहे हैं तो आप जो है ये पहला आपको लिंक मिलेगा, तो इसी पे आप क्लिक कर लेंगे। यहां पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप पहुंच जाएंगे सीधे, कहाँ पहुँच जाएंगे, होम पेज पे पहुँच जाएंगे। जैसे ही आप होम पेज पे पहुँचते हैं तो अगर आप मोबाइल यूज करते हैं तो डेस्कटॉप मोड में कर लीजिए उसे। तो अगर आप डेस्कटॉप मोड में कर लेंगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस आपको दिखाई देगा। यहाँ पर आपको ढेर सारे पेपर्स मिल जाएंगे, जैसे क्लास 9 के मॉडल पेपर्स एंड क्लास 10 के मॉडल पेपर्स। यहाँ पे आप रीड मोर करेंगे, व्यू मोर करेंगे, तो और भी जितने 10-20 पेपर लगे हुए हैं हर विषय के, यहाँ पर व्यू मोर करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर क्लास 11 के मॉडल पेपर्स हैं, क्लास 12 के हैं और क्लास 10 के। अब यहाँ पर हाफ अर्ली आ जाएगा आपका, क्लास 9 हाफ अर्ली, क्लास 10 हाफ अर्ली, क्लास 11 हाफ अर्ली एंड क्लास 12 हाफ अर्ली। तो यहाँ पर अर्धवार्षिक परीक्षाओं के मॉडल पेपर्स आ जाएंगे और आप जैसे ही क्लिक करेंगे, मान लो आपको क्लास 12 की फिजिक्स डाउनलोड करना है तो यहाँ पे कुछ ऐड चलेंगी तो क्लोज कर दीजिएगा। अब आप यहाँ पर देखेंगे तो आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो भौतिक विज्ञान वगैरह यहाँ पे लिखा मिलेगा, फिर यहाँ एक ऑप्शन मिलता है डाउनलोड फिजिक्स पेपर पीडीएफ बाय ब्लू लिंक। अब यहाँ पर आपको एक सिंपल सी लिंक मिलेगी, सीधा सा कुछ नहीं करना है, यहाँ पे क्लिक कर देना है और आपका ये पेपर खुल जाएगा और आप डाउनलोड कर पाएंगे। तो सिंपल सा फार्मूला है, आप इसे ज़रूर आजमाइएगा।